myself, Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, Sikar. Students, today we are going to study about arc elasticity and point elasticity of demand. पिछले वीडियो में आपने मांग की लोच के बारे में पढ़ा, मांग की लोच की परिभाषाएं और मांग की लोच को ज्ञात करने की विधियों के बारे में. आज आप देखिए ये आर्क इलास्टिसिटी यानी किसी पर्टिकुलर मांग वक्र पर एक जो चाप बनाया हुआ है उस चाप के ऊपर मांग की लोच को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है. यहाँ आपके सामने एक रेखा चित्र बना हुआ है जिसमें डी डी डिमांड कर्व पर ए बी एक चाप लिया गया है. इसके मध्य जो मांग की लोच है उसे हमें ज्ञात करना है. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक टेबल आपके सामने बनी हुई है. इस टेबल में ए और बी दो बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं और दो अलग अलग सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो 5 और 4 रुपए ली गई है और डिमांड की जो क्वांटिटी है वो 8 और 10 ली गई है. दैट मीन्स ए बिंदु पर एक वस्तु की कीमत 5 रुपए होती है और इस स्थिति में उस वस्तु की 8 इकाइयों की मांग की जाती है. जब कीमत 5 से घटकर 4 रुपए हो जाती है तो वस्तु की मांग की मात्रा 8 से बढ़कर 10 हो जाती है. इसी को इस रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया गया है. अब इस चाप के मध्य जो मांग की लोच होगी उसे हम ज्ञात करेंगे. इसके लिए सबसे पहले आपके सामने इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया गया है जो है E इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन एक्स. डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स. P इनिशियल प्राइस एंड X इनिशियल क्वांटिटी. अब यहाँ पर आप देखिए कि हम 3 अलग अलग सिचुएशन में मांग की लोच को ज्ञात करेंगे. जो पहली स्थिति है, इस पहली स्थिति में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम क्वांटिटीज में डालते हैं. तो डेल्टा एक्स जो है ये एक्स की मात्रा में होने वाला परिवर्तन है. यहाँ पर हम प्रारंभिक कीमत 5 इकाई को लेकर के चलते हैं और प्रारंभिक मात्रा 8 इकाई लेकर के चलते हैं. ऐसा होने पर जो चेंज होता है वो चेंज है कि कीमत 5 से घटकर 4 हो जाती है. इसका मतलब कीमत में कमी हो रही है और ये जो है ये कीमत -1 यानी कीमत में 1 रुपए की कमी होती है. तो कीमत में 1 रुपए की कमी होने पर मांग जो है वो 8 से बढ़कर 10 हो जाती है यानी मांग में 2 इकाइयों की वृद्धि हो जाती है. सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा P इज इक्वल टू 1 इंटू पी इनिशियल प्राइस विच इज 5 एंड X इनिशियल क्वांटिटी विच इज 8. सो 2 upon -1 इंटू 5 upon 8 इज इक्वल टू -10 upon 8 इज इक्वल टू -1.25. यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मांग की लोच -1.25 प्राप्त होती है. इसे हम दूसरी स्थिति में ज्ञात करते हैं मांग की लोच. तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे. E इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन एक्स. अब यहाँ पर आप देखें कि इस स्थिति में हम इनिशियल जो प्राइस है वो पी लेकर के चलते हैं और इनिशियल क्वांटिटी 10 यूनिट्स लेकर के चलते हैं. अब यहाँ पर माना कि कीमत प्रारंभ में 4 है और कीमत परिवर्तित होकर के 5 इकाई हो जाती है, 5 रुपए हो जाती है. तो ऐसी स्थिति में कीमत में वृद्धि हो रही है. जब कीमत में वृद्धि हो रही है तो मांग की मात्रा में 2 इकाइयों की कमी हो रही है. इसलिए डेल्टा एक्स है -2 अपॉन डेल्टा पी है 1 इंटू पी जो है वो प्रारंभिक कीमत है 4 और एक्स प्रारंभिक मात्रा है 10. इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की जो वैल्यू आती है, फाइनली वैल्यू हमें मिलती है -0.8. यानी इस दूसरी स्थिति में मांग की लोच हमें 0.8 प्राप्त होती है. फिर तीसरी स्थिति में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट 1, 2 एंड इसके मध्य मांग की लोच. तृतीय स्थिति में जब हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो हम जो वैल्यूज लेते हैं वो इस प्रकार से लेते हैं कि डेल्टा एक्स यानी एक्स वस्तु की मात्रा में जो कमी हो रही है वह 2 इकाइयों की कमी है और डेल्टा पी यानी कीमत में 1 इकाई की कमी हो रही है, 1 रुपए की कमी हो रही है इंटू जो पी है इनिशियल प्राइस वो हम लेते हैं 4 रुपीज और इनिशियल क्वांटिटी हम लेते हैं 8 और इसको सॉल्व करने पर जो मान प्राप्त होता है वो मान है -1 यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू -1. ये -1 जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है ये इन दोनों स्थितियों के बीच में स्थित होती है यानी 1.25 और 0.8 के बीच में स्थित होता है -1.
इस तृतीय माप को ही सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है और चाकरोच ज्ञात करने के लिए इस तीसरी स्थिति को ही सर्वाधिक काम में लिया जाता है। और इसके लिए फर्ग्यूसन और गोल्ड ने भी कहा है कि जब कीमत और मात्रा के परिवर्तन अल्प नहीं होते हैं तो लोच के सूत्र में प्रयुक्त किए जाने वाली कीमत और मात्रा का अंक दोनों मात्राओं में से नीचे वाला होगा। इसका मतलब कि जब हम प्राइसेस लेंगे तो इनिशियल प्राइस वो होगी जो लोएस्ट प्राइस होगी। इसी तरह जब हम क्वांटिटी को लेते हैं तो जो लोएस्ट क्वांटिटी है उसको हम इनिशियल क्वांटिटी के रूप में लेंगे। जैसे यहाँ प्राइस में 4 को लिया गया है क्योंकि दोनों स्थितियों में जो कम कीमत है वो 4 है, और इसी तरह से मात्रा को अगर हम देखें तो दोनों स्थितियों में जो मात्रा कम मात्रा है वो 8 इकाई है, और इस सूत्र को काम में लेने पर हमें -1 इलास्टिसिटी प्राप्त होती है। तो इस तरह आपने चाप लोच के बारे में देखा कि चाप लोच किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात हम आते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी पर। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि डिमांड कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है तो उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो डीडी एक वक्र के रूप में डिमांड कर्व आपके सामने दिया हुआ है, इस वक्र के पर्टिकुलर पी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। जब मांग वक्र लीनियर ना होकर के किसी वक्र के रूप में होता है और उस वक्र के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और फिर हम उस स्पर्श रेखा को दोनों अक्षों की तरफ बढ़ा देते हैं और दोनों अक्षों से उसको मिला देते हैं। ऐसा करने पर एक ट्रायंगल तैयार हो जाता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस पी पॉइंट पर यदि हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला काम हमने किया एक टेंजेंट खींचा। जब टेंजेंट खींचा और जो ट्रायंगल बना वो इस शेप में आ जाता है, और यहाँ पर जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ जो डिमांड कर्व है वो लीनियर हो जाता है, एक सीधी रेखा के रूप में हो जाता है। जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तो इस स्थिति में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी को ज्ञात करने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो फार्मूला है इज इक्वल टू लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, यानी ई बराबर निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा। यहाँ मांग वक्र आपको एक ही दिखाई दे रहा है लेकिन इस एक मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग पाई जाती है, यानी प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच एक समान ना होकर के अलग अलग होती है। अब यहाँ पर हम पुनः इस रेखा चित्र पर आते हैं और इस रेखा चित्र के इस पी बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं। इस पी बिंदु पर जब मांग की लोच ज्ञात करेंगे तो हम जो फार्मूला यूजुअली अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा कि डेल्टा एक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये एन से एन वन ये एक्स की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन यानी डेल्टा एक्स है, जिसे हमने के पी वन के रूप में यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से डेल्टा पी यानी कीमत में होने वाला परिवर्तन है जो यहाँ पी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। सो के पी वन अपॉन पी के इंटू पी प्राइस, प्राइस जो है वो एन पी यानी ये इनिशियल प्राइस है, और क्वांटिटी जो है वो ओ एन, इनिशियल क्वांटिटी ओ एन है, और इसको सॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो एन जी अपॉन एन पी यानी एन जी अपॉन एन पी, अर्थात यहाँ मांग की जो लोच है वह इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करने पर एन जी अपॉन एन पी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज पी के पी वन यानी पी के पी वन ये जो बीच में छोटा त्रिभुज बना है ये त्रिभुज और त्रिभुज पी एन जी यानी ये बड़ा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज देखने में एक समान है। एक समान होने का मतलब कि इन दोनों त्रिभुजों के जो तीनों एंगल्स हैं वो बिल्कुल एक समान हैं, यानी के बिंदु का जो एंगल है जो कोण है जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण इस एन बिंदु पर बना है। दैट मीन्स के पी वन अपॉन पी के यानी के पी वन अपॉन पी के इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन पी, अर्थात इसका आधार बट्टा लंब जो जितना है उतना ही इसका आधार बट्टा लंब होगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बिल्कुल समान है क्योंकि इनके तीनों बिंदुओं पर बनने वाले कोणों का मान बिल्कुल एक समान है। सो एन जी यानी एन जी अपॉन ओ एन, एन जी अपॉन ओ एन यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, एन जी लोअर सेक्टर अपॉन ओ एन अपर सेक्टर इज इक्वल टू एन जी अपॉन टी पी यानी एन जी अपॉन टी पी, दिस इज लोअर सेक्टर एंड दिस इज अपर सेक्टर, एंड वंस अगेन पी जी अपॉन पी एफ
यानी पीजी अपॉन पीएफ, ये लोअर सेक्टर है और ये अपर सेक्टर है। इसी तरह पीएन अपॉन एफटी, यानी पीएन अपॉन एफटी, पीएन लोअर सेक्टर है और एफटी अपर सेक्टर है। और ओटी अपॉन एफटी, यानी ओटी अपॉन एफटी, ओटी लोअर सेक्टर है और एफटी अपर सेक्टर है। तो इस तरह आपने देखा कि बिंदु लोच को ज्ञात करते समय पर हम एक रेखिक रेखा चित्र या कहीं रेखिक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर जब मांग की लोच को ज्ञात करते हैं तो हम लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर फार्मूला अप्लाई करते हुए मांग की लोच ज्ञात करते हैं। अब एक बार इस रेखा चित्र पर ध्यान दीजिए। इस रेखा चित्र में ए सी एक मांग वक्र है जिसके ऊपर ए बी सी डी और ई पांच बिंदु हमने लिए हैं। इन पांचों बिंदुओं पर मांग की लोच का मान आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। हम शुरुआत यहाँ सी बिंदु से करते हैं। सी बिंदु पर इलास्टिसिटी का मान लिखा हुआ है जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि ये जो फार्मूला है लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, यहाँ लोअर सेक्टर कुछ भी नहीं है यानी जीरो, और अपर सेक्टर बहुत बड़ा है। तो जीरो अपॉन समथिंग यानी कोई भी संख्या जब हम लिखेंगे और उसका जब जीरो में भाग देंगे हम, तो जो भागफल हमें प्राप्त होगा वो भागफल होगा जीरो। इसके पश्चात ई पॉइंट आ जाता है। ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, क्योंकि लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, लोअर सेक्टर छोटा है अपर सेक्टर बड़ा है, यानी किसी छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या का भाग दिया जाएगा तो जो भागफल प्राप्त होगा वो इकाई से कम होगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। एंड ऑन द पॉइंट बी इज इक्वल टू वन, ये बी बिंदु जो है ये इस रेखा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। यहाँ लोअर सेक्टर और अपर सेक्टर दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी का मान होगा वन। मान लीजिए हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं कि लोअर सेक्टर पांच है और अपर सेक्टर भी पांच है, तो पांच अपॉन पांच इज इक्वल टू वन आएगा। इसी तरह से अगर डी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर, लोअर सेक्टर बड़ा है अपर सेक्टर छोटा है, दैट मीन्स पहले ऊपर जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या होगी, नीचे छोटी संख्या होगी। जब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे तो निश्चित रूप से जो भागफल प्राप्त होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। इसलिए इस डी पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी हमें प्राप्त होगी वो होगी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। एंड पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर आप देखेंगे तो लोअर सेक्टर बहुत सारा है पर अपर सेक्टर कुछ भी नहीं है। तो लोअर सेक्टर हम यदि मान लीजिए सपोज 10 मान लेते हैं और अपर सेक्टर कुछ नहीं, दैट मीन्स जीरो, अपर सेक्टर जीरो है। तो किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग दिया जाता है तो जो भाग भी प्राप्त होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी का मान होता है इनफाइनाइट। तो इस तरह एक रेखिक मांग वक्र के ऊपर प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच का मान अलग अलग होता है। ये मांग की लोच की जो पांचों श्रेणियां हैं वो अलग अलग रूपों में इस एक रेखा चित्र में आपको देखने को प्राप्त हो रही है।